तो फाइनली दोस्तों इंडिया में रियलमी X7 सीरीज लॉन्च होने जा रहा है। अगर हम बात करें रियलमी X7 या X7 प्रो की, तो दोस्तों दोनों फोन काफी कमाल के होने वाले हैं और दोनों ही अच्छे प्राइस रेंज पे इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी X7 के बारे में, जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये किस प्राइस पे लॉन्च होगा दोस्तों, ये कब लॉन्च होगा, और ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तो क्या इसके स्पेक्स होने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके बिल्ड एंड डिजाइन की, तो लुक वाइज ये फोन काफी अट्रैक्टिव दिखता है, और साथ ही साथ इसमें बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलेगा और उसके साथ एक क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों डिस्प्ले वाइज इस फोन की, तो डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी कमाल का होने वाला है। इसमें आपको दिखेगा दोस्तों 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही साथ एक सिंगल कट पंच होल के साथ में। और हाँ दोस्तों, इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन दोस्तों काफी कमाल का होने वाला है। अगर हम बात करें इसके रैम रोम और स्टोरेज की, तो दोस्तों जो इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है दोस्तों 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में ये आता है, जिसमें स्टोरेज टाइप UFS 2.1 का स्टोरेज यूज किया गया है इस फोन में। अगर वही रैम टाइप की बात करें तो इसमें LPDDR4X का रैम यूज किया गया है, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें किसी भी तरह का हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट के लिए अगर ले रहे हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है दोस्तों, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों, तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन काफी कमाल का होने वाला है। इसमें जो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, वो MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि Qualcomm Snapdragon 720G को दोस्तों इजीली बीट कर देता है, और आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है इस चिपसेट से। अगर आप गेमिंग के पर्पस से ले रहे हो दोस्तों, तो नो डाउट गेमिंग इसमें काफी कमाल की होने वाली है, आपको बहुत मजा आने वाला है। हाई सेटिंग्स पे आप सभी तरह की गेमिंग खेल सकते हो इस फोन में। अगर कैमरा वाइज दोस्तों बात करें हम इस फोन की, तो इसके कैमरेज भी काफी कमाल के होने वाले हैं। इसमें आपको बैक साइड में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, और साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर सेल्फी की बात करें, तो इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी देखने को मिलेगा, जो कि कमाल का है। अगर साथ ही साथ ऑल ओवर कैमरे की बात करें दोस्तों, तो कैमरा इस फोन के काफी कमाल के होने वाले हैं। अगर बैटरी की बात करूं मैं, तो बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी 4300mAh की बैटरी, साथ ही साथ आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि आपके फोन को दोस्तों करीबन 35 मिनट्स में फुली चार्ज कर देगा। तो नो डाउट दोस्तों चार्जर तो काफी कमाल का होने वाला है इस फोन का। और साथ ही साथ दोस्तों जो चार्जिंग के लिए पोर्ट यूज किया गया है, वो पोर्ट है दोस्तों Type-C पोर्ट यूज किया गया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का हैंड फ्री जैक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 3.5mm जैक आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सभी तरह के नेसेसरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया लॉन्च की, तो इंडिया में कब लॉन्च होगा और किस प्राइस पे लॉन्च होगा, तो दोस्तों ये फोन आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा, 15 से 20 जनवरी के बीच में दोस्तों ये फोन लॉन्च हो सकता है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बताऊं, तो दोस्तों 22 से 23 हजार के बीच में ये फोन लॉन्च हो सकता है। मेरे ख्याल से दोस्तों 22 से 23 हजार के बीच में ही ये फोन लॉन्च होगा। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं दोस्तों कि इसी जनवरी के महीने में ही Xiaomi का Mi 10i आने वाला है, जो कि दोस्तों 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में आने वाला है और कमाल का फोन होने वाला है। मैं वो भी दोस्तों 21 से 22 हजार के रेंज में लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि Mi 10i और 7 Pro का दोस्तों कंपैरिजन हो X7 Pro का, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के टेक से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।